गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल ठीक, आप सब बताइए। तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ अन्नकूट बना था, तो उसमें कढ़ी चावल और अन्नकूट और फ्रेंड्स मिक्स सब्जी बनी थी, जिसमें सारी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी ही मिलकर मम्मी ने बनाई थी। बहुत टेस्टी बना था खाना, तो सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। बस उसके बाद फिर मम्मी ने गोवर्धन रख लिए थे शाम के टाइम, जब दिनचर्या पे उनकी पूजा होती है और हस्बैंड पूजा कर रहे थे, सोचा थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ, आप भी देख लेंगे। गोवर्धन माटू की जय, और आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और गोवर्धन माटू मम्मी ने बनाए थे, मम्मी काफ़ी सालों से बनाती आ रही हैं, बहुत अच्छे प्यारे से बनाती हैं, तो आप लोग देखकर ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बस गोवर्धन पूज के उसके बाद हमने खाना खाया था, क्योंकि फ्रेंड्स दिवाली का काफ़ी टाइम से त्यौहार चलते रहते हैं, तो दुकान बहुत हो जाती है, तो गोवर्धन और भैया दो ज़्यादा तो काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो बस फ्रेंड्स यही सब कुछ था, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और बताइए आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। और बस इस पे इसके पूजा करने के बाद जब इनका टीका हो जाता है गोवर्धन माटू का, और उनको खील बताशों से हमारे यहाँ पूजा जाता है, और उसके बाद जो है परिक्रमा की जाती है, और परिक्रमा करने के बाद घर के बाहर निकल जाते हैं और कोले पूज के फिर अपने बड़ों के पैर छूते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले व्लॉग।